नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्रा प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में एक चीज आप लोग देखेंगे, आज हम लोगों के पीछे भी लगा हुआ है जैव मंडल या बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम लोग समझेंगे बहुत आसान भाषा में, और जो आप लोगों के मन में भ्रम है उन चीजों को आज मिटाने का प्रयास किया जाएगा। जो चीजें आप लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगेंगी कि बायोस्फीयर आखिर क्या है, कैसे बनता है और उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है और कैसे काम करेगा आपका बायोस्फीयर, इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जहां पर आप लोगों को ना समझ में आए आप लोग बिल्कुल बताते हुए चलिएगा। जैव मंडल या बायोस्फीयर, इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर बायोस्फीयर है क्या और कैसे निर्मित होगा बायोस्फीयर आप लोगों का। उस पॉइंट को एक एक करके हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे सभी। तो सबसे पहली डिफिनीशन आती है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या आना चाहिए, परिभाषा, फिर उसके बाद उससे जुड़ी हुई चीजें। तो पर्यावरण में जहां पर जीवन का विकास होता है वो क्या होता है, किसी भी तरह का, जहां पर भी आपके पर्यावरण में किसी भी प्रकार के जीवन का विकास होता है वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। अर्थात किसी भी तरीके का, समझिएगा, जहां पर किसी भी तरह से जीवन का विकास होता है वह क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। अर्थात अर्थात जहां पर जीवन की संभावना है वह बायोस्फीयर के अंतर्गत है। जीवन की संभावना है वह बायोस्फीयर या जैव मंडल के अंतर्गत आता है। अर्थात यहां पर बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, जहां पर जीवन संभव वह आपके पर बायोस्फीयर का भाग होगा, जहां पर जीवन नहीं है वह आपके जैव मंडल का भाग नहीं होगा, ठीक। जहां पर जीवन की संभावना नहीं होगी वह जैव मंडल का भाग नहीं होगा।
ठीक। अब यहां पर समझने वाली दो चीजें आप लोगों के दिमाग में नाचेंगी। पहला पॉइंट जो आएगा आप लोगों के दिमाग में, उसे समझने वाला पॉइंट आएगा कि हम लोगों ने जब पहले पर्यावरण पढ़ा था उसमें कुछ चीजें मैंने बोली थी, पर्यावरण एक शब्द था। ठीक, हम लोगों ने यहां पर चर्चा की थी पर्यावरण, और पर्यावरण में हम लोगों ने बात कही थी कि पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ तरफ पाए जाने वाले वाले आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, ये पढ़ा था। ठीक, पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, और हमने एक वर्ड की थी जहां तक भी जीवन की संभावनाएं दिखेंगी वह आपके पर्यावरण का हिस्सा होंगी। वर्ड क्या यूज किया था, जहां तक भी जीवन की संभावना होगी वह हमारे पर्यावरण का भाग होगा। कॉमन सी बात है, जहां तक भी जीवन की संभावना होगी वह हमारे पर्यावरण का भाग होगा। और जबकि जैव मंडल में हम कह रहे हैं जहां पर जीवन होगा वह हमारे जैव मंडल का हिस्सा होगा। जैव मंडल में हम लोग क्या कह रहे हैं, जैव मंडल में हम कह रहे हैं जहां पर भी जीवन है वह हमारे जैव मंडल का भाग होगा। जहां पर जीवन है वह जैव मंडल का भाग है, ये बात कह रहे हैं यहां पर हम लोग। अगर इसको हम लोग कहें कि ये हमारा पूरा क्या है, पर्यावरण वरण है, परंतु वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, पर्यावरण, परंतु वर्तमान समय में केवल जीवन ए स्थान पर ही है, ए स्थान पर ही है, तो यह ए स्थान ही, ए स्थान ही जैव मंडलीय बायोस्फीयर का भाग, का भाग
होगा। क्लियर हुआ कि ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं केवल यही भाग आपका क्या होगा, जैव मंडल का भाग होगा, क्योंकि यहां पर ही वर्तमान समय में जीवन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जैव मंडल होगा या बायोस्फीयर होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आपके पर्यावरण का भाग होगा। बट लेकिन यह भाग जैव मंडल का नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि जीवन नहीं है यहां पर, जीवन नहीं है। तो यहां संभावना की बात कर रहा है, यहां एक्चुअल की बात कर रहा है। जहां पर भी जीवन संभव नहीं है वह आपके बायोस्फीयर का भाग नहीं होगा। क्लियर, याद रखना है कि बायोस्फीयर मतलब जीवन की बात हो रही है। अगर जीवन नहीं तो बायोस्फीयर नहीं। ठीक, अर्थात अगर हम लोग यहां पर बात करें कि जीवन की बात की गई, तो एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना, जीवन के लिए जैविक और अजैविक दोनों कारकों की आवश्यकता होती है। जीवन के लिए जैविक एवं अजैविक दोनों ही कारकों की ठीक, ये याद रहेगा, जैविक और अजैविक कारक। अगर हमको इस तरह से बनाना पड़े तो जीवन के लिए आपको जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स चाहिए होंगे, तभी होगा। ठीक, तो यहां पर क्या होता है, जैविक कारकों के बीच में, ठीक, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो जैविक कारक में देखो जीव जंतु आते हैं आप लोगों के, और दूसरा वनस्पतियां और सूक्ष्म जीव। है ना, ये चीजें सभी लोगों को क्लियर है, इतनी चीजें। तो यहां जीव जंतुओं के मध्य मेटाबॉलिज्म, यहां पर जीव जंतुओं के मध्य मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाएं या क्रियाएं संभव होती हैं
होती हैं उसे हम बायोस्फीयर या जैवमंडल कहते हैं। अगर इनके बीच में, इनके मध्य में किसी भी प्रकार की कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, कोई क्रिया नहीं होगी, तो मतलब ही नहीं रहेगा ना भाई। जीवों के बीच में क्रिया तो होनी चाहिए। अगर क्रिया ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है, यहां पर दोनों अलग अलग खड़े हैं तो प्रोसेस नहीं होगा, तो आगे की चीजें नहीं होंगी। तो यहां पर सीधी सीधी सी बात है, अगर हम ये लोग ये कहें कि वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल कि किसी भी भाग में जीवन संभव है, तो वहां पर जैव मंडल होगा। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, अगर यहां पर के किसी भाग में भी जीवन के किसी भी भाग पर जीवन संभव है तो वो किसका भाग होगा? अगर जीवन संभव है तो उसे हम क्या कहेंगे? यहां पर जैव मंडल है। जीवन संभव है तो वह जैव मंडल का भाग है। क्लियर हुआ कि जहां पर भी जीवन संभव है वो आपके जैव मंडल का भाग है। चलो इसके आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई हम लोगों को कि जैव मंडल की जब हम लोग बात करते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जहां पर भी जीवन संभव है वही केवल बायोस्फीयर का पार्ट होगा। एनवायरमेंट में क्या है कि पृथ्वी के चारों तरफ जहां पर भी जीवन की संभावना हो सकती है, कल्पना भी है कि यहां पर हो सकती है, वो भी आपके पर्यावरण का भाग होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जहां पर एक्चुअल में जीवन है वही आपके पर्यावरण का जैव मंडल का भाग होगा। ठीक, अब जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन में मैंने आप लोगों की बात, हम लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था कि जब जीवन की बात करते हैं तो जीवन हम लोगों के पास तीन तरह का दिखाई देता है। ठीक, जीवन में तीन दिख रहे हैं आपको, एक तो जीव जंतु दिख जाते हैं, जीव जंतु, जहां पर जीव जंतु होंगे वह भी भाग जैव मंडल का होगा, बायोस्फीयर का पार्ट होगा। जहां पर वनस्पतियां होंगी, वनस्पतियां, वह भी बायोस्फीयर का पार्ट होगा। और जहां पर आपके सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे वह भी आपके बायोस्फीयर का सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे। तो ये तीनों जहां पर भी होंगे, मतलब कहने का मतलब यह है कि इन तीनों में से अगर एक भी कहीं पर आपको मिल रहा है, चाहे वो जीव जंतु मिल जाए, चाहे वनस्पतियां दिख जाए, या आपको सूक्ष्म जीव दिख जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपका बायोस्फीयर होगा, यह जैव मंडल का भाग होगा। क्या हो जाएगा? यह जैव मंडल का भाग होगा। याद रखना है आप लोगों को, चाहे आपको अगर सूक्ष्म जीव ही क्यों ना मिल रहा हो, कहीं पर एक कोई ऐसा स्थान है जहां पर आपको केवल और केवल सूक्ष्म जीव दिखाई दे रहे, तो वह भी आपके बायोस्फीयर का या जैव मंडल का भाग होगा।
यदि वहां पर वनस्पतियां ही हैं केवल, ना सूक्ष्म जीव है ना जीव जंतु हैं, तो भी आपका होगा। और अगर केवल जीव जंतु हैं तो भी आपके बायोस्फीयर का पार्ट होगा। अगर तीनों हैं तब भी आपके बायोस्फीयर का पार्ट होगा। तो यहां पर आप लोगों को भूलना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं होना है। कि कई बार क्या होता है कि अब देखो समझो, यहां पर कई बार होता क्या है कि अब देखो मान लें कि ये हमारा स्थल मंडल है, मंडल है, ये हमारा जल मंडल है और ये हमारा वायुमंडल है। ठीक, समझिएगा, ये हमारा पूरा का पूरा सर्किल जो बना हुआ है, ये जल स्थल और वायुमंडल है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है आप लोगों को देखने में कि इसके पूरे के पूरे रीजन में अगर हम लोग यहां देखें तो इतने स्थान पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये जो आप लोगों को स्थान दिखाई दे रहा है, ये वाला स्थान, ठीक, यही पर जीवन है, यहीं पर ही जीवन है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल इस जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का ये जो बीच का भाग है तीनों का, ये क्या कहलाएगा, जीवन है। तो केवल इतना ही पार्ट आपका जैव मंडल या बायोस्फीयर कहलाएगा। कितना, केवल बीच का भाग ही आपका जैव मंडल का भाग होगा, का भाग होगा। बाकी भाग आपके पर्यावरण का तो भाग हो सकता है, पर जैव मंडल का भाग नहीं है। तो यहां पर नोट कर लेना, यह पर्यावरण का तो भाग, यह पर्यावरण का तो भाग हो सकता है, हो सकता है, परंतु जैव मंडल का नहीं। मंडल का नहीं, क्योंकि जीवन संभव नहीं है। जहां जीवन संभव नहीं वहां वह भाग जैव मंडल का भाग नहीं। पॉइंट लिख लीजिएगा, जहां जीवन की संभावना नहीं नहीं वह जैव मंडल का भाग नहीं। भाग नहीं, क्लियर। जहां पर जीवन ही नहीं है वहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वह भाग आपके जैव मंडल का नहीं होगा। अब देखो सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें यहां पर तो चीजों को समझते हुए चलना है,
ठीक है। ठीक, ये हमारा क्या है, महासागर। ठीक है, इतनी चीज। ये हमारा क्या हो गया, ट्रेंच हो गया, ये गर्त हो गया, ये हमारे द्वीप है। ठीक, अब समझने वाली बात है कि ये समुद्री क्षेत्र है पूरा, ठीक, ये गर्त है, और सबसे गहरा गर्त की अगर हम लोग बात करें तो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, कौन सा है, मैरियाना और अगर हम मान ले कि ये मैरियाना है, मैरियाना गर्त, यहां पर भी अगर जीवन संभव है तो भी यह आपके जैव मंडल का भाग होगा, यहां पर भी, यहां पर भी यदि जीवन संभव है तो यह भाग भी जैव मंडल का भाग होगा। अब समझते चलना है कि गर्त में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो गर्त में भी यदि जीवन संभव है या जीवन है वहां पर, सूक्ष्म जीव है वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, आपके जैव मंडल का भाग होगा। यदि नहीं है वहां पर सूक्ष्म जीव, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन नहीं है, तो वह आपके जैव मंडल का भाग नहीं है। अब देखो ये चीजें समझ आई। यदि मान लें कि किसी भी पर्वत की बात करें, ये कोई पर्वत है, ठीक है, मान लेते हैं एवरेस्ट, और यहां तक एवरेस्ट के सम्मुख ढाल में जीवन संभव है, जीवन संभव है कितने में, इतने में जीवन संभव है, और इसकी चोटी में जीवन संभव नहीं है, चोटी में जीवन संभव नहीं है, तो ये चोटी जो है वो जैव मंडल का भाग नहीं होगी, भाग नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस ढाल की बात कर रहे हैं, यहां पर जीवन है, तो ये क्या हो जाएगा, जैव मंडल का भाग होगा। भाव होगा,
क्लियर, कि जो भी ये दोनों ढाल दिख रहे हैं हमें, यहां पर जीवन संभव है, इसलिए ये दोनों ही ढाल हमारे क्या हो जाएंगे, जैवमंडल के पार्ट होंगे, लेकिन एवरेस्ट की जो चोटी है वहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि तापमान अति निम्न होता है, तापमान अति निम्न, और जब अति निम्न होगा तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु, कोई भी सूक्ष्म जीव बचेगा ही नहीं, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप लोग फ्रिज में खाना रखते हो ना, सभी लोग जब फ्रिज में खाना रखते हो या दूध रखते हो या चाय कुछ भी जो भी आप लोग रखते हो, ठीक है, तो उस पे आप लोग देखते हो कि किसी भी प्रकार से बदबू नहीं आती, वो खाना खराब नहीं होता है, क्योंकि उसका तापमान क्या होता है, इतना कम होता है कि सूक्ष्म जीव को पनपने का स्थान नहीं प्राप्त होता। तो वैसे यहां पर समझो चोटी में कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एकदम माइनस में चला जाएगा, और जब माइनस में जाएगा तो नॉर्मल सी बात है यहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव नहीं होगा। तो जीवन संभव नहीं तो जैव मंडल नहीं, बायोस्फीयर का भाग, ठीक। अब यहीं पर कई बार एक क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी, मुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो लावा क्या होता है, दूर दूर तक फैल जाता है, ये आप लोगों को पता है, ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो लावा दूर दूर तक फैलता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा रीजन आग्नेय चट्टान मतलब सॉलिड प्रोसेस से बन गया है। लेकिन यहां पर दो तरह की आकृति का निर्माण होता है, अगर आप लोग देखेंगे, याद हो पढ़ा हो कभी तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो फिर बाद में हम लोग देखेंगे, यहां पर दो तरह की आकृतियों का निर्माण होता है, एक क्रेटर और दूसरा कालडेरा, क्रेटर और कालडेरा, कालडेरा, इन्हें झील भी कहा जाता है, क्रेटर झील, झील और कालडेरा झील, बाद में बताऊंगा कि कैसे क्या बनता है जब आप लोगों का टाइम आएगा तो इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि जल का निक्षेप, जब वर्षा का जल आता है, वर्षा के जल का जमाव हो जाता है, और जब जमाव हो जाता है तो यहां पर इस क्रेटर और कालडेरा पे सूक्ष्म जीव एवं छोटी वनस्पतियां एवं छोटी वनस्पतियां उग जाती हैं। तो जब यहां पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, पॉइंट नोट करिएगा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जीवन संभव नहीं होता है, जीवन संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लावे का तापमान अत्यधिक होता है, अत्यधिक इन द सेंस 6000 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड यहां का तापमान होता है। तो भाई कोई भी जीव जंतु अगर इसके संपर्क में आया तो आप लोग ये सोचो कि अगर कोई भी 6000 डिग्री
तापमान के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? वहां पर आप लोग देखोगे तो वो व्यक्ति ओम नमः शिवाय स्वाहा, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सूप बन जाएगा। उसके शरीर के बॉडी का कोई भी पार्ट आपको सही सलामत नहीं प्राप्त होगा। कैसा हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, एक सूप के रूप में व्यवस्थित हो जाएगा, एक जीरो में चला जाएगा, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं। अगर किसी का ट्रायल करना है तो एक लोटा लेके जाना, उसी लोटे को फेंक देना, लोटा वापस आएगा लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, क्योंकि लगभग 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आयरन आपका गल जाता है। तो अब आप समझो कि लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इंसान कैसे बच जाएगा, या कोई वस्तु, कोई जीव जंतु, कोई सूक्ष्म जीव, कुछ भी नहीं बचेगा। समझ आया? तो जब ज्वालामुखी को उद्गार होता है तब जीवन की संभावना नहीं होती है यहां पर, लेकिन जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तब यहां पर जीवन की संभावना बनने लगती है। उद्गार के समय टेम्परेचर होता है 6000, जब शांत हो जाता है मुखी, शांत हो जाता है तो यहां का तापमान धीरे धीरे वातावरण के तापमान के बराबर, वरण के तापमान के बराबर हो जाता है। क्लियर हुआ कि जब ये सामान्य टेम्परेचर में पहुंच जाएगा, तो भैया एक चीज बताओ, जब सामान्य पहुंच गया तो यहां पर धीरे 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 एक समय के बाद क्या होगा, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव भी आएंगे, काई टाइप की होगी, लाइकेन जिसे आप लोग बोलते हैं, लाइकेन भी यहाँ पर धीरे धीरे सॉलिड किनारे 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 हरा 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 आप लोग देखते हो जमने लगेगा, ठीक। तो इसका काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव एवं वनस्पतियां उद्गार के पश्चात, जब समय हो जाता है, काफी लंबा समय बीत जाता है, तो उद्गार के पश्चात ज्वालामुखी के मुख में, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी का मुख, ज्वालामुखी का मुख या मुहाना, मुहाना, ठीक, और ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में से क्रेटर और कार्डेरा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन बन के आए कि क्या क्रेटर और कार्डेरा पे जैव मंडल पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, तो यहां पर सूक्ष्म जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं, इसके कारण यहां पर, इसके कारण यहां पर जैव मंडल पाया जाएगा, ठीक। अब ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या है, कुछ समय के पश्चात क्या हो जाएगा, आपका जैव मंडल पाया जाएगा। अब देखो, ऊपर पट्टी है, ये आपकी क्रस्ट है और ये धरातलीय क्षेत्र है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें तो धरातल में जहां तक भी नीचे सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे
वो क्या होगा, आपके जैव मंडल का भाग होगा। धरातल में या भूपरपटी से पटी से धरातलीय क्षेत्र में जहां तक जीवन पाया जाएगा वह भाग आपका आपका जैव मंडल क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जहां पर भी जीवन की संभावनाएं होंगी। अर्थात यहां पर धरातलीय क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, आंतरिक भागों में सूक्ष्म जीव, और जहां पर भी ये सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे वह आपके जैव मंडल या बायोस्फीयर का भाग होगा। क्या हो जाएगा, वह आपके बायोस्फीयर का भाग होगा। अब समझते हुए चलना। दूसरा पॉइंट, अब देखो मृदा की बात करें, मृदा मृदा क्या है, अजैविक कारक है, कारक है, ये याद रखना है। सारे अजैविक थे, उनके साथ ही जैविक के साथ की अंतःक्रिया हो रही थी ना, तो सेम चीज यहां पर थोड़ा आइडेंटिफाई करा रहा हूं। मृदा अजैविक कारक है, ठीक, लेकिन मृदा में क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व क्या करते हैं, ठीक, पोषक तत्व होते हैं ये वनस्पतियों भोज्य में सहयोग करते हैं, पहला पॉइंट। अब देखो यहां से एक और, मृदा में अगर आप लोग देखते होंगे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, हर तरह की मृदा में नहीं पाए जाते, जो आपके मिट्टी होगी जहां पर वनस्पतियां होंगी वहां पर सूक्ष्म जीव भी पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर हम कहें रेगिस्तानी मिट्टी में तानी मृदा में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, जीव नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जैव मंडल का भाग नहीं, और ये क्या हो जाएगा, जैव मंडल का भाग है। भाग है तो मृदा में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो मृदा भी आपके जैव मंडल का भाग होगी। अगर यहीं पर आप लोगों से पूछा जाए कि वायुमंडल के अगर आप लोग देखें तो यह आपके जैव मंडल का भाग होगा या नहीं होगा, वायुमंडल जैव मंडल का भाग होगा कि नहीं, ये समझने वाली बात है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो
वायुमंडल हमारा विभिन्न परतों से निर्मित है, हम लोग कहते हैं वायुमंडल हमारा विभिन्न परतों से निर्मित है। ये जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है ना एटमॉस्फेयर में कि वायुमंडल हमारा विभिन्न परतों से निर्मित है, और जब विभिन्न परतें हैं तो वो परतों की ऊंचाई भी अलग अलग होगी, तो इन परतों की ऊंचाई भी अलग अलग होगी। अलग अलग होगी तो नॉर्मल सी बात है कि अलग अलग ऊंचाई में जीवन की संभावनाएं भी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, होगी, जिसके कारण जीवन की संभावना एक निश्चित ऊंचाई तक होती है, निश्चित ऊंचाई तक ही संभव है, ही संभव है ना। अत्यधिक ऊंचाई पर जाके हमारे जीवन की संभावनाएं नहीं हो सकती। अर्थात अगर हम लोग बात करें कि धरातल से लगभग 22 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यह 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जीवन संभव है, तो यह पॉइंट लिखेगा, धरातल से लगभग 22 किलोमीटर तक ही जीवन संभव है, इसके ऊपर जाने पर सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो जाते हैं। अब समझो, अगर ये 22 किलोमीटर का एरिया है धरातल से हमारे लगभग 22 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम लोग बढ़ते हैं, तो इस ऊंचाई तक लगभग सूक्ष्म जीव आपको प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? सूक्ष्म जीव, ठीक। और इन सूक्ष्म जीवों को तो हम ये क्या कहेंगे, लगभग 22 किलोमीटर ऊंचाई तक हमारा जैव मंडल पाया जाएगा, जैव मंडल पाया जाएगा। कितनी? लगभग 22 किलोमीटर ऊंचाई के आसपास के ऊपरी आसपास के भाग में हमारा जैव मंडल पाया जाएगा। ऊपर जाने पर क्या है, सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो जाते हैं, अर्थात 22 किलोमीटर ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, हमारे जैव मंडल का भाग नहीं होगा। याद रखना है, पीटी में पूछा जा सकता है आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में कुछ भी, तो याद इन सब चीजों को आपको रखना है, ठीक है। कई बार ये वर्ड बोला जाता है कि नदी यदि सूख जाती है तो क्या वह आपके जैव मंडल का भाग होगी या नहीं होगी। तो इसे समझो, यदि नदी सूख जाए तो उसके रेत में यदि पोषक तत्व
होंगे तो वहां पर जीवन की संभावना होगी यदि जीवन है तो वह भाग भी जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो रहा है कि वह भाग भी जैव मंडल के अंतर्गत आएगा। क्यों? बायोस्फीयर, अगर हम लोग देखें तो बायोस्फीयर में क्या चीज गेम हो रहा है पूरा। अगर हम लोग जैव मंडल को थोड़ा सा खोलो, जैव मंडल तो आप लोगों ने जो पढ़ा है वही चीजें यहां पर भी बायोस्फीयर में भी हो रही हैं। यहां पर सीधा सीधा दो गेम प्लान चल रहा है, एक तो अजैविक अबायोटिक और बायोटिक। जैविक घटक हैं और यहां अजैविक घटक हैं। अजैविक घटक, वो सॉरी, इधर क्या हो जाएगा, जैविक हो जाएगा ना, इधर जैविक घटक है। ठीक, अब जैविक घटक में दो होंगे कि तीन, पहला सूक्ष्म, फिर जीव जंतु और फिर वनस्पतियां, है ना। इन सब के बीच में अजैविक घटक के साथ क्या हो रहा, लगातार परस्पर अंतःक्रिया हो रही है। यहां पर लगातार परस्पर अंतःक्रिया हो रही है, अर्थात जीवन के लिए लिए जैविक एवं अजैविक घटक दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक, इतनी चीज क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे ज्यादा घनत्व तो जीवों का कहां पर पाया जाएगा। जीवों का घनत्व, अब इसको कॉमन सेंस से सोचो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते हो, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। मैं कॉमन सी बात आपसे पूछता हूं कि आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको एक पढ़ाने का तरीका है कि बुकिश लैंग्वेज दे दी जाए, एक पढ़ाने का तरीका यह है कि उन सारी चीजों को तोड़ के एक सामान्य भाषा में ले आया जाए, और एक तरीका यह उन सामान्य भाषा को भी इतना तोड़ दिया जाए कि आप लोगों की नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाए। जब नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो आसानी से आप लोगों को चीजें बिल्कुल एकदम सहजता से समझ में आने लगती, मे बी, है ना, और कुछ को बुकिश लैंग्वेज समझ में आती है। तो यहां पर भी चीजों को यह समझना है कि हमारा जीवन कहां पर सही तरीके से सरवाइव कर सकता है हमारी पृथ्वी पर।
अगर हम ये लोग ये कहें कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल है, अब ये आंसर आप लोग खुद देंगे तो हम समझते हुए चले। और ये हमारा सूर्य है, सूर्य देवता सुबह सुबह जल देना चाहिए ना, तो जल देने के लिए चल रहा है। अब देखो तीन जगह को मैंने डायग्राम में लिया है, एक तो ध्रुवीय क्षेत्र है क्षेत्र हो गया, एक आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र है क्षेत्र है, ठीक। अब चीजें देखो, जहां पर सूर्य ताप ज्यादा प्राप्त होगा वहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, सारी क्रियाएं तेजी से चलेंगी, पहला पॉइंट। अगर हम इस रीजन की बात करें 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक, इस पूरे रीजन में 23 नॉर्थ से लेके 23 साउथ तक सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा और कम होती रहती है, ठीक। अर्थात अगर एक वर्ड में बोला जाए सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा। अब देखिए, लेकिन ये आपका विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा, यहां पर क्या होता है इसे समझना, विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर या विषुवत रेखा पर सूर्य सदैव सदैव आभासीय रूप से आभासी रूप से लंबवत रहता है। अब जब लंबवत है तो यहां आप लोगों को समझना होगा कि जब सूर्य लंबवत होगा तो सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा आएगी यहां पर, मात्रा ज्यादा होगी। अब जब सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। अब जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो यहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी, और जब वर्षा ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है यहां वनस्पतियों का घनत्व भी ज्यादा होगा। एवं जीव जंतु जंतु का घनत्व अत्यधिक होगा। अब यहीं पर अगर हम लोग ध्रुवों की बात कर लें तो समझो यहां पर कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी, यहां पर सूर्य ताप आपको कैसा मिल रहा है, अगर देखें सूर्य ताप की मात्रा अत्यधिक कम, मात्रा अत्यधिक कम,
अब जब सूर्य ताप की मात्रा अत्यधिक कम होगी तो यहां समझो सूर्य ताप की मात्रा अत्यधिक कम हुई तो नॉर्मल सी बात है वर्षा ना के बराबर होगा, यहां पर वाष्पीकरण होगा नहीं, वाष्पीकरण जीरो, वर्षा जीरो, वनस्पतियां कैसी होंगी, झाड़ी नुमा, झाड़ी नुमा है ना, मतलब झाड़ पाए जाएंगे बहुत ज्यादा, उसमें वनस्पतियां पाई नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि इन क्षेत्रों में घनत्व भी क्या हो जाएगा, जीव जंतु एवं वनस्पतियों का घनत्व, अत्यधिक कम या ना के बराबर। तो अगर हम लोग कहें कि कहां का बायोस्फीयर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, जैव मंडल में कहां पर घनत्व ज्यादा होगा, तो विषुवत रेखा में सबसे कम, फिर इसके बाद आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घनत्व तो पाया जाएगा, इसके बाद आपका कम घनत्व तो की बात करें तो सबसे अधिक नंबर एक पे ये रहेगा, नंबर दो पे उष्ण कटिबंधी, नंबर तीन पे आपके टेम्परेट या शीत कटिबंध, और फिर फ्रीज जोन आती है। तो यहां पर आपके ट्रॉपिकल, टेम्परेट और फ्रीज जोन की बात करें तो आपके जैव मंडल का घनत्व तो, अगर आप लोग बायोस्फीयर के घनत्व तो को देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपके विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, फिर उसके बाद आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, फिर शीतोष्ण कटिबंधी और फिर शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में घनत्व तो कम पाया जाएगा, उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होती है और जब सूर्य ताप की मात्रा कम होगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर चीजें देखी जाए तो अलग अलग होती आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? इतना क्लियर हुआ? अब देखो अगर हम किसी डेल्टा की बात कर लें, नदी डेल्टा की बात करें, नदी डेल्टा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सुंदरवन डेल्टा की बात कर लो, ये तो याद होगा ना सबको। तो जब सुंदरवन की बात करते हो तो नदी का डेल्टा है, तो नदी अंतिम में, नदी देखो स्टार्ट क्या हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से नदी जब चलती है तो पहले पर्वतों से चलती है, फिर पर्वतों के बाद वो क्या आती है, मैदान में आती है, और मैदान के बाद वो कहां पर जाती है, समुद्र में मिलने, समुद्र में मिलती है। उसी समय जब ये समुद्र के पास पहुंच रही होती है तो नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है, जो मिट्टी पोषक तत्व जो सब लाई है वो इसी के किनारे पर छोड़ने लगती है, और ट्रायंगुलर शेप में जो बनता है उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो नदी जो अपने साथ जीव जंतु अंजर फंजर हम लोगों की हड्डी पड्डी जो डालती जाती है वो क्या है, सारे पोषक तत्व हैं, और नदी जब इस पोषक तत्व को ले जाकर धीरे 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 लाखों सालों में जमाव करती है, जमाव करके डेल्टा का निर्माण करती है, तो डेल्टा कैसा होता है, अत्यधिक उपजाऊ होता है। कैसा हो जाएगा? अत्यधिक उपजाऊ। इसका मतलब क्या है, यहां पर अत्यधिक पोषक तत्व तो होंगे, अत्यधिक पोषक तत्व तो होंगे ना। अब जब यहां पर अत्यधिक पोषक तत्व तो हैं तो समझने वाली बात है कि जब अत्यधिक पोषक तत्व तो हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है
कि यहां पर वनस्पतियां जीव जंतु अत्यधिक, यहां पर जीव जंतु एवं पत्तियों का घनत्व अत्यधिक होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट कि जहां पर नदी डेल्टा का निर्माण करेगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर पोषक तत्व तो नदी बहा के लेके जा रही, और उन पोषक तत्वों से ही आपके जीव जंतु और वनस्पतियों को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और जब वनस्पतियां अच्छी होंगी, वनस्पतियों का घनत्व बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, जीव जंतु धीरे से वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको खाने को मिलेगा। आप वहीं पर तो रहोगे जहां छोटे छोटे जीव पहले शाकाहारी घास वास खाने वाले जीव आएंगे, फिर उसके बाद उनके पीछे उनके भाई लोग आएंगे, फिर संख्या बढ़ाएंगे सब लोग मिलके, फिर उसके बाद दूसरी द्वितीयक श्रेणी का आएगा जो मांस खाने वाला जीव होगा, फिर पूरी हायरार्की बनेगी नहीं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होगा यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा, पूरा डेल्टा धीरे 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 बनता हुआ चला जाता है। यही रेगिस्तान की यदि हम लोग बात कर लें तो रेगिस्तान में वनस्पतियां एवं जीव जंतु कम होता है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, अत्यधिक ऊष्मा मिलती है। तो यहां पर जहां पर भी हम लोग बात करेंगे कि रेगिस्तान में जैव मंडल का घनत्व तो ज्यादा होगा या कम होगा, तो रेगिस्तान में जैव मंडल का घनत्व तो कम पाया जाता है, क्योंकि यहां पर रहने की कंडीशन सही नहीं होती। यहां पर जीव जंतु एवं वनस्पतियां कैसी होंगी, कम मात्रा में पाई जाएंगी। और वनस्पतियां पाई भी जाएंगी तो कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी, कटीली वनस्पतियां पाई जाएंगी जिनको जल की कम आवश्यकता हो। और जो जीव जंतु यहां पर सरवाइव करेंगे वो जीव जंतु कैसे होंगे, वो जीव जंतु भी यहां पर वो होंगे जिनको कम पानी में ज्यादा दूरी तय कर सके, ऐसे जीव जंतु भी यहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो आएगा आपका बायोम। ठीक है, बायोम इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिस दिन मैं क्लास लूंगा आप लोगों की, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बायोम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई ये कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हाँ चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। थोड़ा सा पंचायत से अपने समय निकालिए और उस समय का यूज करके अपनी बातें रखिए। जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं टॉपिक, उन टॉपिक्स को भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक लेता हुआ आप लोगों को समझाता हुआ चलूं। ठीक है, फिर मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।